नमस्कार, मैं शिवान शर्मा। आज हम बात करेंगे सहारनपुर की दो बड़ी खबरों के बारे में। अपराधी कैद में है तो जमातियों ने ली राहत की सांस, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बाकी खबरों की हेडलाइंस पर। देश में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही हो, लेकिन सहारनपुर इस लड़ाई में जरूर जीतेगा। जी हाँ, जनपद में आज फिर ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से कोरोना पॉजिटिव केस के 8 मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 24 रह गई है। कोरोना से फीकी पड़ी शादियां, सहारनपुर में भी लॉकडाउन के दौरान बिन बैंड बाजा बारात हुई शादी। कड़े योद्धा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु ग्राम छुटमलपुर के लोग आए आगे। रक्तदान कर किया सरकार का सहयोग। जी हां, सहारनपुर वासियों ने रक्तदान कर कोरोना की लड़ाई में सरकार का सहयोग किया है, कैसे आपको भी बताएंगे। सहारनपुर पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता, दो वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे कोरोना सर्विलांस टीम ने आज फिर क्वारंटाइन कराए दो व्यक्ति। गंगो के बैंकों में सामाजिक दूरी की उड़ रही है धज्जियां। देश में भले ही लॉकडाउन हो, भले ही लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो, लेकिन कोरोना से बेखौफ अपराधी अभी भी अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, जिस क्रम में पुलिस के हाथ ऐसा ही एक बड़ा गिरोह लगा है जो कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन फिर भी जरूरत है सभी को चौकन्ना रहने की। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सहारनपुर के SSP खुद कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। भेद में 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके एक गाड़ी भी बरामद हुआ, एक 12 बोर की देसी बंदूक भी बरामद हुआ था और 315 बोर की कट्टा भी बरामद हुआ है और अन्य कुछ चाकू वगैरह भी बरामद हुआ है। वहाँ के जो पुलिस टीम को सूचना मिली है, कुछ बदमाश जो है जंगलों में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, उसी सूचना के तहत तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी और घेराघारी करके मुठभेड़ के दौरान 5 लोगों को अरेस्ट किया है। तो इनसे पूछताछ करने के बाद जैसे इनका पता चला, पूरा मुकदमा लिखा गया है 307 का भी, आर्म्स एक्ट का भी, और इनको न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा रहा है। सर, शिकार का पता चला था कि लोग शिकार भी कर रहे थे? ये जांच के विषय है। ये फिलहाल जो है SHO का कहना है कि जो जांच के दौरान ये पता चला कि डकैती का योजना बना रहे थे। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। भारत में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारण जमाती बताए जा रहे थे, जिस वजह से प्रशासन में भी इसके प्रति सतर्कता देखने को मिली। वह 90% जमातियों को क्वारंटाइन किया गया, जिस क्रम में आज अम्बेडा के क्वारंटाइन सेंटर से सूरत के 6 जमातियों को छोड़ा गया है। कोरोना के चलते नकुट बस स्टैंड स्थित सरदार अजीत सिंह इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में सूरत व गुजरात के कई जमाती रखे गए थे, जिनके संबंध में CHC प्रभारी डॉक्टर ओमबीर सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर 6 जमातियों को प्राइवेट गाड़ी द्वारा गुजरात व सूरत के लिए रवाना किया गया, जिससे जमातियों ने क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी अभी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार अब क्वारंटाइन सेंटर में 25 लोग मौजूद हैं। इस दौरान नकुट चेयरमैन शाहनवाज खान ने क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया और वहां क्वारंटाइन किए गए लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आपके शहर सहारनपुर की ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लॉकडाउन के चलते सभी कार्य ठप हो चुके हैं, वहीं शादियों के सीजन पर भी कोरोना का पूरा असर देखने को मिल रहा है। पहली बार बिना बैंड बाजा और बारात के शादियां देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला है सहारनपुर के शारदा नगर में, जहां शैंकी और दीक्षा की शादी 17 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें 12 मई को शादी की डेट मिली, जिसके बाद लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने शारदा नगर स्थित गुरुद्वारे में शादी की। लॉकडाउन में हुई शादी का अनुभव उनके परिजनों ने खुद साझा किया। आइए आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर शादी के लिए आए हो? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। खुश हो आप? हाँ जी। बच्चे खुश रहे? बिल्कुल। कैसे लग रहा है लॉकडाउन में जैसे इस तरह से शादी करी है 5-4 दिन? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा भी।
कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम व बचाव हेतु पुलिस से लेकर डॉक्टर व जनप्रतिनिधियों द्वारा दिन रात गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा में निस्वार्थ रूप से जुटे हुए हैं, जिसके क्रम में आज मंजू शर्मा पूर्व ग्राम प्रधान आकाश पंडित व अक्षय शर्मा समस्त निवासी ग्राम छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर कर्म योद्धा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु 30 पीपीई किट व विटामिन सी की 4500 टैबलेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को प्रदान की गई। HTC वेलफेयर सोसाइटी और फूड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि दीवानी कचहरी कोर्ट रोड पर 12 मई को दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से आकर कई लोगों ने रक्तदान किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि HTC सहारनपुर की पहली ऐसी सोसाइटी है जो कि ब्लड बैंक के साथ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर प्रशासन के सहयोग का कार्य भी कर रही है। आपका नाम? शिवम गुप्ता। आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मैं रेगुलरली करता हूँ डोनेट। लॉकडाउन जैसे चल रहा है, आप लॉकडाउन काम कर रहे हैं, आपको आपके आत्मा को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे फ्री बैठे रहते हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहे हैं ब्लड डोनेशन करने से, किसी की तो मदद होगी। आगे भी देना चाहोगे? हाँ, जब भी हम हेल्दी हो जाएंगे 4 महीने बाद दोबारा। मैं संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी से परम बत्रा। हम लोग पीछे 3 साल से सहारनपुर में सेवा करते आ रहे हैं। अभी हमारा आज आप देख रहे हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये मोबाइल रक्तदान शिविर की वैन है, जो घर घर जाकर हम लोग जिनको जरूरत होती है, जो रक्तदान करना चाहते हैं, जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये रक्त वैन उनके घर उनके द्वार तक लेके जाते हैं, जिससे हम रक्तदान करवाते हैं। ये हमारा 46वां रक्तदान शिविर है और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमारी संस्था द्वारा अभी तक 250 से पौने 300 यूनिट सरकारी ब्लड बैंक में एकत्रित करके दवा दी इसके लिए। तो हम लोग जो सक्षम है आगे भी इस तरह चल रहा है, आगे भी हम लोग, हमारा कल का एक रक्तदान शिविर हकीकत नगर में है, फिर पैरामाउंट में है, ऐसे अगले पूरे एक हफ्ते की बुकिंग हमारे पास है। और साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था के द्वारा पिछले 40 दिनों से लगातार दिन और रात दोनों टाइम लंगर सेवा चल रही है और लोगों को दवाई भी दी जा रही है और कच्चे राशन की भी सुविधाएँ दी जा रही हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि सहारनपुर में हर संस्था, हर सामाजिक संस्था बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, रक्तदान और लंगर सेवा करती जा रही है। आप घर पर रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो रक्तदान के लिए ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें, हम लोग आएंगे और आपका रक्तदान करवाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के दिशा निर्देशन में बड़गांव पुलिस द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ टोलू निवासी ग्राम नूनाबड़ी थाना बड़गांव को एक अद्दत छुरा सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं चिलकाना पुलिस ने हत्या में वांछित चल रहे नामजद अभियुक्त राशिद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम हर्राखेड़ी थाना चिलकाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिगलानी बिल्डिंग के नज़दीक नीम वाले चौक के सामने ऊंचे मोहल्ले में रहने वाले व देहरादून की चप्पल फैक्ट्री में कार्य करने वाले दो व्यक्ति, जो पिछले 2 महीने से देहरादून में थे, जो कि 2 दिन पूर्व ही सहारनपुर लौटे थे, कोरोना कंट्रोल रूम में सूचना मिलने पर कोरोना सर्विलांस टीम के MP सिंह चावला, नितिन यादव, परविंदर यादव वहाँ उसके घर पहुँचे। उपरोक्त दोनों व्यक्ति घर से बाहर गए हुए थे। टीम ने परिवार से नाराजगी जताते हुए उनके परिजनों को उन दोनों व्यक्तियों को अगले 14 दिवसों तक होम क्वारंटाइन करने को कहा एवं दोनों व्यक्तियों को आते ही जिला चिकित्सालय स्थित स्पेशल कोरोना OPD से चिकित्सीय परीक्षण कराने को कहा।